तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, आज वाली वीडियो में दोबारा से खेलने जा रहा हूँ मजूबा। और आज वाली वीडियो में गाइस हम लोग खेलेंगे माइलो की एकदम नई स्किन से, जो कि शायद आप लोगों ने देख ली होगी गेम में, एक पूरा पोस्टर सा जो कि हर बार आता है जब भी कोई नई स्किन आती है इसमें। तो आज वाली हमारी जो माइलो की स्किन है वो ये रही, और ये वाली स्किन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है वैसे। पॉप देवा मिलो माइलो नाम है इसका, और इसके साथ कोई नई इमोट तो नहीं आई है, बट हम लोग ये वाली लगा लेते हैं। ये वाली इमोट का बढ़िया लगता है भाई मुझे, जब किसी को मारने के बाद दिखाने में मज़ा आता है। ठीक है, तो ये वाली स्किन गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये वाली स्किन कैसे लग रही है। और इसका भी गाइस देखो सेम कंसेप्ट है जैसे मैंने और वीडियोस स्किन की बनाई है, तो ये वाली स्किन भी आपको फ्री में मिल सकती है। अगर आप और जो स्किन मैं अभी दिखाने वाला हूँ, अगर वो वाली स्किन आपके पास होंगी तो आपको ये वाली फ्री में मिल जाएगी, मतलब पूरा स्किन का कलेक्शन होगा तो आपको ये फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सी स्किन आपके पास होनी चाहिए इस वाली स्किन को फ्री में लेने के लिए। तो पहली स्किन है गाइस हमारी मेटल हेड हेनरी, ठीक है, ये वाली स्किन आपके पास होनी चाहिए। और दूसरी वाली है गाइस ये वाली अपनी फुल हाउस रवि, ठीक है। और तीसरी वाली गाइस हमारी स्किन होनी चाहिए ड्यूकी फ्रॉम मार्स। और चौथी वाली स्किन होनी चाहिए वो है हमारी यारा की है और ओली की है। तो ये देखो ये रही अपनी ओली की स्किन होनी चाहिए रॉक वाली, ये वाली, ठीक है, चौथी वाली। और पाँचवीं अपनी लास्ट बोलते हैं यारा, जिसकी होनी चाहिए ब्लूज यारा वाली। अगर ये वाली पाँचों स्किन आपके पास होंगी तो आपको वाली स्किन फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज वाली वीडियो में हम लोग उसी से खेलेंगे माइलो की स्किन से। और आप लोग गाइस कमेंट करना मत भूलना, ठीक है, कि ये वाली स्किन आपको कैसी लग रही है। और लाइक तो कर ही देना वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट वाला वर्जन चल रहा है जो कि 47 मिनट में ख़त्म होगा, तो हम लोग ट्री लगा लेते हैं। ओके गाइस, तो अपना गेम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है भाई। सोलो लाइट वाला वर्जन लगाया मैंने, और बंदे यहाँ पर देख रहे हो आप लोग ग्रैंड मास्टर 32 के हैं, तो बंदे भी अच्छे हैं इसमें, जो कि मज़ा आने वाला खेलने में। और गार्ड वगैरह पता नहीं यार, गार्ड के पास उतरता तो सही रहता, हेल्थ किट मिल जाती तो मज़ा आता, क्योंकि सोलो लाइट में 2-3 गिनती के गार्ड उतरते हैं, 2 मिनट में मर जाते हैं। और मैंने भाई ट्रियो भी खेला, पर ट्रियो में मैं नहीं जीत पा रहा था, क्योंकि भाई बंदे बहुत ज़्यादा लेवल के आ रहे थे अपोनेंट वाले, और मेरी टीम के बंदे 9-10 लेवल के आ रहे थे, तो बेचारे ऐसे ही मर जाते थे एक दो शॉट में। तो फिर भाई अकेला तो कुछ भी नहीं कर पाया मैं। एक भाला मिल रहा है हमें, गिना चुना उसे ले लेते हैं। इसके अंदर कौन है भाई, बमबारी सी हो रही है, इसके अंदर जाना सेफ तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैंने भाई इस पर जंगल सूज नहीं लगाए हैं, इसीलिए बिल्कुल सेफ नहीं है। फेरोमोन आइटम लगा रखा है मैंने इस पर, ये काफ़ी सही चीज़ है। मेरे पास एक भी हेल्थ किट नहीं है यार, बेचारे को दया करके कोई हेल्थ किट दे दो। वो यहाँ पर लेवल सीटिंग के पेपर है, इसे मैं मार रहा हूँ, ठीक है। ये किसको मार रही है, पर पता नहीं किसे मार रही है, वो चूहे को मार रही है। अच्छा ठीक है, मारती रहा भाई चूहे को, मैं भी मरवाता हूँ। रुको, ये कितने लेवल का चूहा है, ये बॉट है क्या? ले नहीं नहीं, बॉट नहीं है, प्रिंस नाम है इसका, बॉट नहीं है। मैं इस पेपर को मारता हूँ, रुको, इस चूहे को मारना तो तब भी थोड़ा बहुत आसान है। ये खेल भी नहीं रहा, पता नहीं कैसे खेल रहा है, अजीब टाइप से खेल रहा है थोड़ा। इस वाली ये पाली कोई भी इसे मार दो यार, मेरे को हेल्थ किट चाहिए, हेल्थ किट चुरा लूँगा इससे। फिर ये वाली पेपर वाली उसे यार खेल रही है भाई, मेरे ऊपर भी अटैक कर रही है, मतलब बॉम्ब आगे ही फेंक रही है। और ये चूहा छोड़ दिया क्या, चूहे को मन छोड़ो यार। ये वाला लेवल 14 का यहाँ से निक्स आ गया, ये लेवल 14 का जो निक्स नाम का बंदा है ना, ये मैंने देखा है, पहले भी खेलता था ये, तब भी 14 का था, अब भी 14 का है, पता नहीं कैसे, बट हाँ अब भी 14 का है ये बंदा। चलो ये गया, अरे ये वाली पेपर का मारना जरूरी है। अरे लैरी भाई थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अरे भाई मेरे पास एक भी हेल्थ किट नहीं है, वो वाली हेल्थ किट अगर मैं उठाने गया तो मैं बचूंगा नहीं। ये पेपर के बीच में लड़ाई कर रहा है, पढ़ तो गया बट नहीं थोड़ा जल्दी पड़ जाता तो शायद। यहाँ से निकल लो, दूर हो लो, वो लैरी कहीं से भी आके मार मूर देगा। मेरे पास अभी फेरोमोन आइटम नहीं है, ये वाला हम लोग गेम जीत पाएंगे गाइस, नहीं लगता है। वो यहाँ से लैरी आ रहा है, हेलो लैरी, लैरी से धप्पा कर दिया, भगले यहाँ से लैरी, अब कितना मारेगा मेरे को। वो बच गया भाई, लैरी ने छोड़ दिया। अरे भाई लैरी की वो गई, अरे यार ये कहाँ से आ गया वो। तो इसमें गाइस हमारा जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं, हमारे पास संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, दूसरा मैच ट्राई करेंगे। ये वाला मैच बढ़िया गया था, चूहे को मारने में, पेपर को मारने में मज़ा आ गया, एक और ट्राई करते हैं। रुको, सोलो लाइट चल रहा है। ओके गाइस, तो मैंने भाई यहाँ पर दूसरा गेम स्टार्ट कर दिया है, और मैं पहले से गार्ड के पास उतरा हूँ, क्योंकि मेरे को हेल्थ किट मिल जाए, क्योंकि पहले वाले मैच में भाई एक भी हेल्थ किट नहीं मिली थी, आप लोगों ने देखा होगा। और एक हेल्थ किट मिली भी रही थी तो यार वो आपके अंदर थी, तो वो वैसे ही मर जाता मैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो यहाँ पर ये मार लेते हैं, चलो ये गया। एक और गार्ड भाई इधर आ जा, इसे भी मार के जल्दी से ख़त्म करते हैं। अब आ जाओ, फिर कौन लड़ेगा हमसे, फिर तो हम लोग ही जीतेंगे, दो दो हेल्थ किट होगी सोलो लाइट में। तो ये देखो आ जाओ, दोबारा आएगा मेरे पास, इसको मैंने अभी भी फेरोमोन से भगाया था, फिर से आ गया मेरे पास। और ये खुद ज़्यादा जल्दी मर गया, इसके पास हेल्थ किट नहीं होगी, आने दो। और कौन कौन आ रहा है, यारा भी आ रही है, हेलो यारा, ये भी मरने वाली है। वो बच गई रही, इन्हें और आगे आ जाती तो शायद मर जाती। कोई बात नहीं, उसने अपना IQ यूज़ कर लिया। वो इसकी शॉटगन की रेंज थोड़ी ज़्यादा लंबी है, पर मेरे एरो से लंबी नहीं है। वो ये कहाँ पर गई, वो ये रही, इसे यहीं से मारेंगे। पढ़ तो गया पर वो मरी नहीं, उसके बाद उसने हेल्थ बढ़ा ली अपनी, चलो गई। अरे भाई क्या मिस हो रहा है, अभी मिस हुआ। रुको मैं आ रहा हूँ, इसको मारेंगे हम लोग। यहाँ पर कोई और तो नहीं है, इसको मारने के चक्कर में मैं ना मर जाऊँ कहीं। ओके यहाँ पर तो कोई है,
जेड है इधर, ओके जेड, ओ हेनरी है इधर, एक मिनट इस हेनरी को मैं मारता हूँ। अरे 14 लेवल की है, मुझे लग रहा था 16 17 लेवल की होगी, बट कोई बात नहीं, हम लोग आराम से मार लेंगे इसे। और जेड उसके पीछे पड़ा हुआ है, ओके जेड ने मार दिया भाई, जेड तो बड़े छोटे लेवल का था। कहाँ पर है वो जेड, उसको हम मारेंगे। अच्छा वो अच्छा इसके लिए मार रहा है, ठीक है आ जा मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ जेड। हेलो जेड कहाँ है, वो नहीं आने वाला शायद, लग रहा है मेरे को भग गया वो, लंबा भग गया कहीं पे। हाँ ठीक है कोई नहीं, इसके अंदर कौन है, ओ ये रहा, ओ भाई क्या तगड़ी वो लगा के बैठा है, मैंने कहा था ना मेरे पास आ। भाई क्या स्टाइल है बंदे की, दुबका कैसे था, और उसने अटैक भी नहीं करा, शायद वो सोच रहा हो कि मैं निकल जाऊँ बगल से तो निकल ही जाऊँ। चलो कोई नहीं, इसने 14 लेवल की हंडी को मार दिया, मुझे कैसे नहीं मार पाया फिर ये, नहीं मेरे को मारेगी ये मुझे पता था। आ जा, अरे मेरी लोडिंग नहीं हुई अभी, खड़ी हो। गूगू नाम है इसका, गूगू यहाँ, अरे यार फिर से आ गई, इसे भाई जान मचा के भागी है। यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा वो बन रही है, देखो कितनी बहादुर है ये वाली। आज के 3 बंदे और बचे हुए हैं, इसमें कोई बड़े लेवल का बंदा नहीं आया इसमें। मैंने ये देखा है गाइस, अगर आप लोग देखो हार जाओ एक मैच तो दूसरे मैच में आपको इतने छोटे बंदे देगा ना, पता आप मन ही नहीं करेंगे आपको खेलने का, 7-8-9 लेवल के बंदे देगा। जैसे कि आपने अभी देखा पहले वाले मैच में मैं हार गया था तो लेवल 16-17 के बंदे आ रहे थे, अभी मैं ये हार गया हूँ तो इसके बाद देख रहा हूँ आप कैसे कैसे बंदे आ रहे हैं, एक भी आपको लेवल 15 का बंदा नहीं दिखा होगा। 14 की एंट्री जरूर दिख गई, जो कि पता नहीं कैसे एक लेवल 10 की। अच्छा ये ठीक है, तो इसी के बदले हम लोग इसे फ्री गिवन देने वाले हैं, क्योंकि हमें मज़ा नहीं आया इसीलिए। तो ये वाला गेम डिजर्व करता है अपना लेवल 10 का दोस्त। तो गाइस इसी के साथ, अगर ये वाली वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जो करना, गाइस सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट जो करना, तो आज वाली वीडियो में इतना ही। और नूब नंबर 2 ने 0 कल के साथ किया है, तो इस बात पर लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में इतना ही, बाय बाय।